नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर। दलित युवक की जमीन पर थाने के कब्जा करने के मामले में कोर्ट हुई सख्त, पुलिस कर्मियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। बता दें कि यूपी के बलरामपुर जिले के गैंडास बुजुर्ग थाने में पुलिस कर्मियों पर दलित युवक की जमीन जबरन करने का आरोप लगा था। पीड़ित ने मामले की शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद दलित युवक ने थाने के सामने खुद को आग लगा ली। शरीर बुरी तरह जलने के कारण उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में युवक की पत्नी ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने मामले में SIT गठित करने के आदेश दिए, जिसके बाद शासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया। बीते दिनों ADG रेलवे जय नारायण सिंह की अध्यक्षता में बनी 2 सदस्यीय SIT इसकी जांच कर रही है। इसके साथ एक नई 3 सदस्यीय समिति भी पूरे मामले की जांच करेगी। हाईकोर्ट ने मामले में समिति से अगस्त में लिफाफा बंद रिपोर्ट मांगी। माना जा रहा है कि जून में जुलाई में जांच पूरी होगी। अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से अब पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता अधिष्ठान मंजिल सैनी की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा राधे श्याम राय व अपर जिलाधिकारी बैराज गौरव रंजन श्रीवास्तव की जांच समिति बनाई गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि निजी व्यावसायिक भूमि पर पुलिस के द्वारा कब्जा करने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जानी है। प्रशासन व पुलिस की तरफ से पूर्व में हुई जांच से स्पष्ट हो चुका है कि पुलिस ने जमीन पर कब्जा किया था, इसी कारण से दलित राम बुजारत ने आत्महत्या की। इसके बाद भी प्रभावी कार्रवाई न होने से मृतक की पत्नी कुसुमा न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। उसी की याचिका पर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि बीते 23 अक्टूबर 2023 को गैंडास बुजुर्ग थाने का निर्माण पूरा होने के बाद बाउंड्री के बाहर निजी व्यवसायी भूमि पर पिलर गाड़कर कब्जा किया गया था। इसी को लेकर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। इससे आहत होकर दलित राम बुजारत ने 24 अक्टूबर 2023 को फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या कर ली थी। इलाज के दौरान 30 अक्टूबर को राम बुजारत की मौत हो गई। उस समय प्रशासन में पुलिस की जांच में तत्कालीन थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध मिली थी। यही नहीं, DM ने पूरे मामले की जांच में पाई कि जमीन का सिविल वाद विचाराधीन था और कोर्ट से कमीशन हो गया था। इसके बाद भी पुलिस ने जमीन पर कब्जा कर लिया। राम बुजारत के आत्मदाह मामले में जमींदार पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए खूब पैंतरे अपनाए गए थे। जांच में मामला स्पष्ट होने के बाद भी विवेचना का स्थानांतरण बहराइच कर लिया। पीड़िता कुसुमा को फंसाने के लिए चुनाव के एक दिन पहले DM को एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिस पर DM ने जांच कराकर SP को करारा जवाब देते हुए पत्र लिखा। अब SIT जांच के आदेश पर स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक भूमि पर कब्जा करने के कारण युवक आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। अब देखना होगा कि मृतक की पत्नी को इंसाफ मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज नेटवर्क।